आवाज नहीं आ रही, पूरे जोश और जज्बे के साथ जोरदार नारे लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो, जय जवान जय जवान, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। आज भिवाड़ी जिले के गांव प्रेमनगर की इस पवित्र भूमि पर आज की किसान पंचायत की अध्यक्षता कर रहे जाटू खाप के आदरणीय प्रधान राजमल धनाना जी, सांगवान खाप के हमारे सचिव नरसी डीपी जी, सदानंद महाराज जी, और आज इस महापंचायत के मुख्य अतिथि चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी युद्धवीर जी, श्री बलबीर सिंह राज्यवाल जी, और तमाम हमारे नेतागण जो मंच पर मंचासीन है, एक साथ में उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों और किसान बिरादरी के सरदारों, हमारे सभी मीडिया के भाई, सभी पुलिस प्रशासन के, उनको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि लंबे समय से आप बैठे, समय की बहुत कमी है, और केवल बिल्कुल थोड़े से समय में दो तीन बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। और किसान आंदोलन में तो ये पूरा क्षेत्र बहुत अच्छा योगदान दे रहा, पिछले 150 दिन से जो अभियान और जो आंदोलन चल रहा, और ये भी तय कर रखा कि भाई खाली हाथ लौट करके नहीं आवेंगे, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी, अगर छाती अड़ाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो भिवाड़ी जिले के बहादुर नौजवान किसान और मेरी माताएं बहने आगे खड़ी मिलेंगी, कहीं पीछे नहीं हटेंगी। एक मुद्दा चल रहा मेडिकल कॉलेज का, आपके सामने पत्थर लग रहा, हम बार बार कहते हैं कि ये सरकार नहीं है, ये सर्कस है, और इसके कारनामे ऐसे, आपके आगे देखिए पत्थर लग रहा मेडिकल कॉलेज का, और 167-168 एकड़ जमीन दी प्रेमनगर वालों ने यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। यूनिवर्सिटी तो बना दी, लेकिन कॉलेज अपनी राजनीति करके और भिवाड़ी में लेकर के चले गए। बाकी तो लगातार यहाँ 4 महीने से धरना चल रहा, लगातार सब संघर्ष कर रहे, कॉलेज भिवाड़ी ले गए, लेकिन हमारी मांग तो ये है कि जो गांव ने जमीन दान दी थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो अपनी यूनिवर्सिटी भी उखाड़ करके भिवाड़ी में ले जाओ और हमारी जमीन खाली कर दो, हमारी जमीन फालतू नहीं है। ये सरकार निर्दयी सरकार है, ये अमानवीय सरकार है, और ये पार्टी भारत विरोधी है, ये किसान विरोधी पार्टी है। अभी ये धारा 144 लगा करके हमें डराना चाहते हैं, लेकिन जैसे टिकैत साहब कहते हैं कि तुम धारा 144 लगाओगे तो हम 288 लगाएंगे, और हमारी धारा तुम्हारे से ज्यादा मजबूत है। साथियों, मेरी अंतिम बात, हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि ये 3 कानून आए तो मंडियां टूट जाएंगी, हरियाणा के 4 जिलों की 17 मंडियों में गेहूं का 1 दाने की भी खरीद नहीं हुई, और वहां पर अडानी के साइलो चालू कर दिए गए, और वहां किसानों को भेज करके उनका शोषण करने का काम किया जा रहा। और हम इस प्रकार के प्रयास करें, मैं चौधरी राकेश टिकैत जी को, युद्धवीर जी को, दूसरे हमारे जो तमाम नेता हैं, उनको ये निवेदन करूंगा कि हम मंडियों को बचाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे गए थे, हमारी 125 में से 17 मंडियां खत्म की जा रही हैं। हमारे बड़े नेताओं से भी प्रार्थना है कि वो हमारे मंडियों को बचाने में और अडानी साइलोज को करारा जवाब देने के लिए हमारा नेतृत्व करें। अगर मंडियां टूटी तो किसान बर्बाद हो जाएगा, हरियाणा का किसान बचेगा नहीं। हम तो तैयार हैं, संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय कर ले, हमारे नेता निर्णय कर ले, साइलोज में गेहूं ना जाए, जरूरत पड़े तो हम कब्जा भी करना जानते हैं, आवारा पशु भी भरना जानते हैं, और उनको नंदीशाला और गौशाला बनाना भी जानते हैं, लेकिन अपनी फसल अपनी जमीन को यो बर्बाद नहीं देख सकते। मेरी ये भी सबसे निवेदन और प्रार्थना, आप सबने इतना सम्मान दिया, बहुत लंबे समय से बैठे, सबको बहुत धन्यवाद देते हुए एक नारा आपसे बुलवाऊंगा, पूरी ताकत के साथ बोलेंगे, ना धर्म का ना साइंस का, मोदी है रिलायंस का।
मैं बोलूंगा ना धर्म का ना साइंस का, वो भी है रिलायंस का। जोर से बोलिए ना धर्म का ना साइंस का, वो भी है रिलायंस का। ना धर्म का ना साइंस का, वो भी है रिलायंस का। और मेरी हमारे भाई जो है सोमवीर भाई दीपक और भाई परवीन अंकित जो पूरी युवाओं की टीम है, हमारे भाई अजीत धनाना घनगस सारे जो हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां जो आंदोलन के साथ साथ पंचायत के लिए भी जुटे हुए। जय किसान, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपका।